दे रहे हैं। इले देखो घोंचू के। अरे का इतना लंबा चौड़ा ढांचा जैसे स्टील का कबाट और बच्चों की तरह उछल उछल के मिठाई लूटते हो, बुरी बात। अगर मिठाई फेंकना बुरी बात नहीं तो मिठाई लूटना बुरी बात कैसे हो गई? बात तो तुम तर्क की कर रहे हो। ये कौन? ये अमर चेला है। कैसा चेला? ये तो बिल्कुल सफाचट तरबूज है। ये बाहर से ही नहीं अंदर से भी सफाचट है। क्या है साहब जी, आज की दुनिया में जीने के लिए ऐसे बिन दिमाग का आदमी का साथ होना बहुत जरूरी है। अरे ऐसे लोगों के सहारे तो कितनी पार्टियां कितने मजहब कामयाब हो गए हैं। अरे वाह, दिमाग तो बड़ा तेज है तुम्हारा। काम क्या करते हो? बेकार हूँ। काहे, काम लगा नहीं? काम तो बहुत लगा है लेकिन हर जगह से निकला गया हूँ। क्यों? काहे कि हमारी जवान थोड़ी लंबी और हमेशा चलती रहती है, इसलिए। तेज दिमाग और लंबी जवान पॉलिटिक्स के लिए बहुत जरूरी होती है। खैर अभी नौकरी तो हम लगाए देते हैं। वो देखो सामने हुआ राजा साहब की हवेली है, हमरे दोस्त हैं, वहां नौकरी करोगे? इतनी शानदार हवेली नौकरी के लिए अच्छी नहीं, हम तो इसका मालिक होना चाहते हैं। चुनने में सपना? अरे तुमको तो जिला स्तर का नेता होना चाहिए था। फिलहाल कोई छोटी नौकरी कराओगे? छोटा काम हम करूंगा तो वो काम बहुत बड़ा हो जाएगा साहब जी। अरे शाबाश, क्या बढ़िया आदमी है। सुनो, अगले चुनाव में हम पार्टी को उम्मीदवार हूँ तो तुमसे थोड़ी सहायता की उम्मीद रखूं? अगर आप रूलिंग पार्टी के हैं तो आपके स्वागत है, लेकिन अगर आप विरोधी दल के हैं तो दिल से हम आपका साथ हूं। हाँ, क्या उत्तम फिलॉसफी है। जी चाहता तेरा चेहरा चूम लूं। एक मिनट, ये चेहरे पर घाव काहे का लगा? वो क्या हुआ, कल सुबह मिलावटी राम अपने कुत्ते को बिस्किट का पैकेट बांट रहा था तो हमने एक उठा लिया। साला कुत्ते को बुरा लग गया, गुर्रा कर हम पर लपक पड़ा। फिर का कुत्ता और कुत्ते की जाति, वो सेठ का कुत्ता है तो हम भी अमावस हूं। साला ने हमको काटा जरूर लेकिन हमने बेचा को घोप दिया, घापा खलास कर दिया साले। क्या हुआ? वो बिस्कुट के लिए मटर। हम अपने फायदे का खातिर किसी का कुछ भी कर सकता हूँ। अरे तुमको तो स्टेट लेवल का नेता होना चाहिए था। सुनो, हमरे साथ काम करोगे? जब काम दे ही रहे हैं तो कुछ धन की भी बात करो ताकि हम आपकी पोजीशन का कुछ डिरेस बना लूं। कितना? 500। 500? आपकी इज्जत का खातिर। उधार मांगने का ये विशेष गुण एक दिन तुमको बहुत महान बना देगा बेटुआ। ले पूरा 500 रुपया, नहीं कम है। ले बस, जरा आपकी दया चाहिए। जा चला, जीता रहो। अरे आप इतने बड़े आदमी हैं, काहे छोटे आदमी के मुंह लगत है? अरे वो साला हमको बोलता हमको पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा। ना मिले, अपनी पार्टी खड़ी कर दो। अरे आप चाहे तो आपकी जूती भी चुनाव जीत सकती है। अरे अब आजकल के जमाने में भरोसे की जूती मिलती कहाँ है। जूती को भी मौका मिले तो टोपी बनकर सर पर चढ़ जाती है। आप जरा आंखें उठाकर देखो तो सही, आपको जरूर भरोसे का आदमी मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा भरोसे का आदमी? एक रामदास था भरोसे का, साला उसको भी हम मार के भगा दिए। जरा गौर से देखो, आपको वफादार आदमी जरूर मिल जाएगा जो आपके सामने हर वक्त हाथ बांधे खड़ा रहेगा। हम सोचता हूँ कोई निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करता हूँ, अपना जमीन जायदाद सब बेच के दांव पे लगा दूंगा। बस कोई भरोसे का आदमी मिलना चाहिए। साहब जी, बस जरा आंखें उठाकर गौर से देखो, आपको जरूर मिल जाएगा।
कहां ढूंढे इतनी बड़ी दुनिया में किस पे। तू चुनाव लड़ेगा? हम साहेब। हाँ तू चुनाव लड़ेगा। अगर आप कहते हो तो ठीक है, लड़ जाता हूँ, लेकिन एक बात है। कहा? अगर हम जीते तो जीत आपकी और हारे तो हार हमारी है। नहीं हम आवाज, तू हारेगा नहीं, मैं सब कुछ दांव पे लगा के तुझको जिताऊंगा। कल तेरा वो मैं पत्र दाखिल करूंगा। तू एक काम कर, पहले अपना हुलिया बदल, जबाल ठीक कर और बिल्कुल हमरे जैसा बन जा बस। इसका नाम अमावस है। पुकार का नाम है हाकिम। हमारा जन्म अमावस की रात को हुआ था, इसलिए असल में हमारा नाम विजय बहादुर कुंवर है। हम सूर्य वंश के राज घराने से ताल्लुक रखते हैं। सूर्य वंश रामनगर। जी हमारा राज चला गया, इसलिए हम ऐसी हालत में रहते हैं, वरना हमारी रिश्तेदारी बड़े बड़े राज घरानों में है। एक जमाना था साहब, एक जमाना था जब बड़े बड़े मंत्रियों की भीड़ हमारे द्वारे पर लगी रहती, और आज हम मंत्री बनने यहाँ आए हैं। जीतेगा भाई, जीतेगा। हमारा हमारा जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। हमारा हमारा जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। हमारा हमारा जीतेगा। भाई, जीतेगा। हमारा हमारा जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। तुम क्या कर रहे हो? ये लोग हमको देख के हाथ हिला रहे, तुम ऐसे क्या कर रहे हैं? हाथ बांध के खड़ा, साला कोई देखेगा तो जमानत जमानत हो जाएगी। जीतेगा भाई, जीतेगा। हमारा हमारा जीतेगा। अरे जो लोग दिन में खाली हाथ वोट मांगते हैं वो यहाँ किस लिए आए हैं? उनका जीतने का कोई चांस नहीं है। अरे वोट तो रात को मिलते हैं, हाँ लेन देन के साथ, जो हमारी तरह मांगते हैं। अमावस कहिए। एक बार एक ग्राहक ने एक नाई से पूछा कि जरा गिनना तो हमारे सर में कितने बाल हैं। उसने कहा साहब गिनने की क्या जरूरत है, अभी थोड़ी देर में कट के सारे बाल सामने गिरने वाले हैं। तो वोटों की गिनती तो शुरू हो ही गई है जी। थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कितने तीर रात में इन्होंने गोबर में मारे हैं। तुम शायद यहाँ अपनी जमानत वापस लेने आए हो। अरे हम दी हुई चीज वापस नहीं लेते। अगर हमारी जमानत वापस हो गई तो आपको दे दूंगा, ताकि आप अपने गम भुला सके कि आपकी जमानत जब्त हो गई। अरे वाह बस, हमारे साथ रहते रहते तुझको भी बोलना आ गया। टेंशन हो ही रहा है। काहे टेंशन साहेब, हम जीते तो अच्छा है, हारे तो अच्छा है। तेरे बाप का क्या जाता है, पैसा तो हमारा लगा ना। चल जा सूट पकड़ के बैठ। कैसी बात करो तो साहेब, हम आपके सामने कभी बैठ सकता हूँ? हम तो हाथ बांधे एक पांव पे आपके सामने खड़ा रहूंगा। आप कहें तो जरा बाहर हुआ हूं। हाँ जाओ जनता से मिलाओ। नर्वस हो गया है, सिगरेट का कस मारने गया है, हमारे सामने सिगरेट पीने की हिम्मत नहीं है ना। अरे भाई सिगरेट अंदर पी लेते। अरे नहीं भैया, अंदर के साहब है। अच्छा अच्छा। हाँ तो मैं ये कह रहा था जी कि अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं। पहले दौर की गिनती के बाद विजय बहादुर कुंवर उर्फ अमावस अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 500 वोटों से आगे है। विजय बहादुर कुंवर उर्फ अमावस अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 1500 वोटों से आगे है। अमावस शुरुआत तो अच्छी है, 1500 वोटों से आगे भी हो, लेकिन अभी तो हनुमानगंज का वोट बाकी है, विष्णु नगर, वसंत नगर, रामनगर का वोट बाकी है, देखें क्या होता है। विजय बहादुर कुंवर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 5000 वोटों से आगे है। 5000? 5000 वोटों से आगे। अपने ही बच्चा है ना। बैठिए ना साहब, आ जाएंगे तो। विजय बहादुर कुंवर उर्फ अमावस अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 10000 वोटों से आगे हैं।
विजय बहादुर कुंवर उर्फ अमावस अब अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 25,000 वोटों से आगे हैं। विजय बहादुर उर्फ अमावस अपने प्रतिद्वंदी से 70,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। तुमसे कह रहे हैं तुमने हमका बुलाया कमलाकांत। कमलाकांत अच्छा नाम है आपका। तुम होश में तो हो अमावस? अमावस नहीं, सूर्य वंश का पहला ये मेले विजय बहादुर कुंवर। पैर छू रहा है मुझे। परे हटो हम कह रहे हैं परे हटो। बड़ी खुश लग रही है जी। कहीं घूमने चले? कहाँ? शिमला या ऊटी? चलिए। जम गया है, हटता ही नहीं। हाथ हटा लूं? रहने दीजिए ना। कहती है रहने दीजिए। विजय बहादुर कंवर जिंदाबाद। विजय बहादुर कंवर जिंदाबाद। विजय बहादुर कुंवर जिंदाबाद, ये कहते हुए पीछे आ। विजय बहादुर कुंवर जिंदाबाद।